नमस्कार, मैं हुशवानी धाराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक रिकॉर्ड 1.62 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद से सबसे अधिक है। एक सरकारी प्रवक्ता ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। प्रवक्ता ने बताया कि यह केंद्र शासित प्रदेश के संपूर्ण विकास और बदलाव का गवाह है। बिहार सरकार ने आखिरकार बगहा के जंगल में आदमखोर बन चुके बाघ को देखते ही गोली मार देने का आदेश दे दिया है। पिछले एक माह में इस बाघ ने 7 लोगों को मार डाला है। ग्रामीण आदमखोर बाघ की वजह से दहशत में है। बाघ को काबू में करने का हर प्रयास अब तक विफल हो रहा है। भारतीय रेलवे ने छठ पूजा को लेकर कुल 179 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। आप आसानी से इन ट्रेनों में ट्रेन में टिकट लेकर अपने घर जा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने जानकारी दी है कि छठ पूजा को लेकर रेलवे 2,269 ट्रिप के साथ 179 स्पेशल ट्रेनें चला रही हैं। शताब्दी आड़ा तक निर्मित मुख्य पथ का भी लोकार्पण किया गया। APHC को PHC में उत्क्रमित किया गया। पटना के संकल्प भवन में लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ था। यहां CM नीतीश और डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने ऑनलाइन लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने देश के मुख्य न्यायाधीश उदय उमेश ललित को अपना उत्तराधिकारी चुनने के लिए कहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इसे लेकर केंद्र की ओर से चीफ जस्टिस को पत्र लिखा गया है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय की ओर से यह पत्र शुक्रवार सुबह ही UU ललित को भेजा गया है। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों का मुख्यमंत्री ने एरियल सर्वे किया। CM नीतीश कुमार ने गोपालगंज और मोतिहारी जिले का एरियल सर्वे किया। बता दें कि गंडक नदी में अप्रत्याशित तूफान से यहां के हालात बिगड़ रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के दौरान एक कंटेस्टेंट ने अमिताभ बच्चन से मजेदार सवाल किया। कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन से पूछती हैं कि उन्हें लगता है कि सेलिब्रिटीज अपने कपड़े रिपीट नहीं करते हैं और ना ही खुद से धोते हैं। इस पर अमिताभ बच्चन जवाब देते हैं कि उन्हें एकदम गलत जानकारी मिली है, क्योंकि वह हमेशा अपने कपड़े धोते रहते हैं। इसके अलावा वह हमेशा अपने कपड़े रिपीट भी करते हैं। उत्तर भारत में मानसून तारीख निकल जाने के बावजूद सक्रिय है। मानसून के 4 महीनों में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत कई राज्य सूखे की चपेट में रहे, क्योंकि उस दौरान बारिश बहुत कम हुई। लेकिन जब मानसून की विदाई का वक्त शुरू हुआ है तो यहां झमाझम पानी बरसने लगा है। मुंबई सेंट्रल से लेकर और गुजरात के गांधीनगर तक जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार सुबह मवेशियों से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। हालांकि इस ट्रेन को एक दिन के भीतर ही कोचिंग केयर सेंटर में ठीक कर दिया गया है। बिहार में गुरुवार तक डेंगू के 2,674 केस आ चुके हैं। इनमें सर्वाधिक 1,631 डेंगू मरीज अकेले पटना के हैं। वहीं नालंदा में 205, वैशाली में 48, गया में 34, पूर्वी चंपारण में 32 डेंगू मरीजों की पहचान की गई है। अब तक राज्य में 3 डेंगू मरीजों की मौत भी हो चुकी है। अभी राज्य में डेंगू के मामले अप्रत्याशित रूप से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की दिल्ली, सोनीपत और चंडीगढ़ की टीमों ने सोनीपत स्थित दवा फैक्ट्री पर छापा मारा। हरियाणा ड्रग कंट्रोलर मनमोहन तनेजा की अगुवाई में टीमों ने सैंपल लिए, जिनकी अभी भी जांच चल रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में संजू सैमसन की नाबाद 86 रनों की पारी को देखने के बाद हर कोई इस युवा भारतीय बल्लेबाजी की तारीफ कर रहा है। मैच के बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने भी सैमसन की जमकर तारीफ की है। इस दौरान उन्होंने सैमसन की तुलना युवराज सिंह से भी की है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर UAPA के तहत केस चलाने के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। वाजे पर मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक गाड़ी में बम लगाने के मामले में केस दर्ज किया था। ब्राजील में इंस्टेंट नूडल्स, सॉफ्ट ड्रिंक, बर्गर जैसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने वाले 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों की 5 साल तक मॉनिटरिंग की गई। इसमें सामने आया है कि इन बच्चों की लंबाई मानक से कम और वजन मानक से अधिक रहा। यह आगे चलकर बच्चों में हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसे गैर संचारी रोग का कारण बन सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग में इस तरह की शिकायतें लगातार बढ़ रही हैं। यह घटना सिर्फ इन दोनों के साथ नहीं हुई है। रोज ऐसे हजारों लोग पीड़ित हो रहे हैं। जब ऑनलाइन कंपनियां मेगा फेस्टिवल ऑफर लाती हैं तो उन दिनों सबसे ज्यादा उपभोक्ताओं के साथ ठगी होती है। 5 साल की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने में ही सबसे ज्यादा NCH के पास शिकायतें रजिस्टर्ड होती हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के माइग्रेशन और मोबिलिटी साझेदारी वाले बयान पर भारत की तरफ से जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ब्रिटेन के साथ मिलकर काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है और वीजा अवधि से ज्यादा समय तक ब्रिटेन में रुकने वाले अपने नागरिकों को वापस ले जाने में मदद करेगी। सरकार बड़े पैमाने पर अपराध की श्रेणी वाले कई कारोबारी नियम बदलने जा रही है और उन्हें अपराध की श्रेणी से बाहर करने जा रही है। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसकी पुष्टि कुछ दिनों पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी की थी।
मणिरत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 1 की रिलीज के बाद एक नया विवाद खड़ा हो गया है। यह विवाद है राजा राजा चोलन के धर्म को लेकर। दरअसल नेशनल फिल्म अवार्ड विजेता वेत्री मारन ने दावा किया है कि राजा राजा चोल हिंदू नहीं थे। अब उनके इस बयान को कमल हासन का सपोर्ट मिला है। वित्तीय अपराध करने वाले साइबर ठगों के खिलाफ सीबीआई की ओर से चलाए गए ऑपरेशन चक्र के तहत 26 आरोपितों को पकड़ा गया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, असम समेत कई राज्यों में छापेमारी की गई। इंटरपोल, एफबीआई और देशों की एजेंसियों से साइबर ठगी के संबंध में इनपुट मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे बुजुर्गों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत करें। इसके तहत बुजुर्गों को पेंशन, प्रत्येक जिले में वृद्धाश्रम और वृद्धावस्था में देखभाल के स्तर को लेकर जानकारी मांगी गई है। फ्लाइट का किराया दिल्ली और मुंबई के लिए 22 अक्टूबर को सर्वाधिक रहा, जबकि हैदराबाद के लिए 21 अक्टूबर को इसका सबसे अधिकतम कीमत दिखाई पड़ता है। छठ पर दिल्ली से पटना आने का सर्वाधिक विमान किराया 10,260 रुपये, जो शुरुआती विमान किराया से 3 गुना और 2.5 गुना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 2020 के बैच के आईएएस अधिकारियों से बात की। पीएम ने उन्हें जिलों में काम करने के दौरान केवल डिजिटल मोड पर निर्भर रहने के बजाय फील्ड पर ज्यादा समय गुजारने की सलाह दी है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को अपनी तैनाती वाले जगह पर ऐसा काम करने की अपील की है जिससे लोग उन्हें हमेशा याद रखें। जकार्ता में आयोजित G20 देशों के संसदों के अध्यक्षों में 8वें शिखर सम्मेलन के दौरान प्रभावी संसद जीवंत लोकतंत्र विषय पर G20 देशों की सांसदों के अध्यक्षगण को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दोहराया कि भारत ने सदैव नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का समर्थन किया है। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमरान मलिक अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। एक इंटरव्यू में ये पूछे जाने पर कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड टूटेगा या नहीं, जिस पर उमरान मलिक कहते हैं इंशाल्लाह अब फोकस विकेट लेने पर है, अगर अल्लाह की मर्जी और किस्मत होती है तो जरूर होगी। शुक्रवार की सुबह उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रोफेसर रामगोपाल यादव से मुलाकात करके नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य का हालचाल जाना और यूपी सरकार की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का भरोसा दिया। 2 साल 9 माह के वेतन के 23 लाख रुपए लौटाने का प्रस्ताव कर BRA बिहार यूनिवर्सिटी के नितेश्वर कॉलेज में पदस्थापित प्रोफेसर ललन कुमार सुर्खियों में आ गए थे। इस विवाद के शांत होने के बाद अब उन्होंने सत्याग्रह करने की बात शुरू कर दी है। इसकी सूचना उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी दे रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसके लिए उन्होंने गुजरात को चुना है और कल देर रात अहमदाबाद पहुंच गए। उनके प्रतिद्वंदी शशि थरूर ने भी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम का एक वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। उस वीडियो में एक शख्स हजारों की संख्या में जुटे लोगों को शपथ दिला रहा है कि वे लोग हिंदू देवी देवताओं को ना माने। वो शख्स लोगों को शपथ दिला रहा है कि गौरी गणपति के साथ साथ किसी और देवी देवताओं को मानने की जरूरत नहीं है। 2 साल बाद 6 अक्टूबर को वाराणसी में पूरी भव्यता से भरत मिलाप लीला का मंचन किया गया। व्यवस्थापक मुकुंद उपाध्याय के अनुसार लीला दोपहर 2:30 बजे शुरू हुआ और शाम को 4:40 बजे चारों भाइयों का मिलन हुआ। इसमें काशीराज परिवार भी शामिल हुआ। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों कर्नाटक में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद से और ज्यादा एक्टिव हो गया है, साथ ही वह तमाम मुद्दे उठाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने आज ट्वीट कर बताया कि बीते दिन वह एक महिला से मिले जिनके किसान पति ने 50,000 रुपए का कर्ज होने के कारण आत्महत्या कर ली। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अर्जुन राम, भान प्रकाश मौर्य, के सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, रवि शंकर, अनमोल कुमार, नुनू कुमार और पप्पू कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार भारतीय किसानों की स्थिति कैसे बेहतर की जा सकती है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।